हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हफ्ते का दूसरा दिन था और निफ्टी इंडेक्स ने जबरदस्त बाउंस बैक किया है। 288 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी इंडेक्स आज बंद हुआ है। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, आज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ उसकी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, उसके भी ऊपर निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से वन वे ट्रेड ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। हालांकि सेकेंड टारगेट के पास सपोर्ट लिया और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। तो जो लेवल्स मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन वन वे ट्रेड था सुबह, तो काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा। और जैसे कि हम सपोर्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर वीकली चार्ट में ये जो 100 SMA है वीकली चार्ट में, यहाँ पर हो सकता है ये सपोर्ट ले और यहाँ से कुछ बाउंस बैक दिखाए। लेकिन ये बाउंस बैक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा क्या? अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो इसे ये जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है डेली चार्ट में, इनको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। अभी ये फिलहाल देखे इसका पैटर्न तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में और निफ्टी इंडेक्स इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ये यानी ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। और ये छोटा सा बाउंस बैक जो आया है आज, ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड यहाँ पर हो सकता है। ये जो फॉल आया है, ये लंबा रेड कैंडल आपको जो दिखाई दे रहा है उसका हाई ऑलमोस्ट 15,860 के आसपास है। तो यहाँ पर 20 A में भी आगे उसी की तरफ आ सकता है कल परसों, तो हो सकता है इस लेवल के आसपास 15,900 के आसपास हो सकता है ये रेजिस्टेंस फेस करे। तो वेट एंड वॉच, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है। जैसे कि हम बात कर रहे थे RSI की भी, डेली चार्ट में RSI 0 to 30 के पास पहुंच चुका था जोन में, जो कि ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। इस जोन में आने के बाद ऊपर की तरफ हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। और फिर से अभी इस बार भी इसने ये बाउंस बैक दिखाया, जैसे कि इस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन हुआ और हमें और भी नॉर्थ की तरफ एक अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिला। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी में, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को फॉलो करेंगे। ये जो यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग बना था, इसका ब्रेकआउट मिल गया है, ठीक है। अभी ये इसने फर्स्ट हर्डल तो पार कर लिया 20 EMA का भी, एक पिंक लाइन जहाँ पर इसने 2-3 दिन पहले एक फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया था। अभी पिंक लाइन के ऊपर ये ब्लू लाइन है 50 EMA का, आज देखिए क्लोज कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास क्लोज हुआ है। ब्रेक तो किया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज के हाई के जस्ट ऊपर, यानी 15,703, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। और फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 15,738, ये फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 15,773, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 15,594, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 15,553, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA का ये पिंक लाइन, जो कि 15,510 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अभी ये निफ्टी के लेवल से बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का भी ज़बरदस्त अप ट्रेंड हमें देखने को मिला आज। जो अपने लेवल्स मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जस्ट ओपन हुआ, नीचे आया, ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से वन वे ट्रेड ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को हम फॉलो करेंगे। 60 मिनट का ये चार्ट बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम यहाँ से ये फॉल आया था, ये इस जोन से, ये एक, ये दो, अभी ये तीसरी बार उसी के आसपास जोन पे, जोन के आसपास आ गया था और फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आया। तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है आज का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल 60 मिनट के चार्ट का 33,511, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 33,596, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,704, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो ये जो सपोर्ट है 20 EMA का ये पिंक लाइन, यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट ले और फिर बाउंस बैक हो, तो इसको कम्प्लीटली ब्रेक होने दे यहाँ पर। तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 33,016, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,814, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, दोबारा से जब इन लेवल्स को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तभी यहाँ पर पोजीशन लेना सही साबित होगा। तो ये है इंट्राडे लेवल्स कल के लिए 22 जून। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।